एक वीडियो पर 71,000 मेरे इंप्रेशन गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जो वीडियोस कुछ वायरल हुई हैं उन पे अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं और मुझे बाद टाइम सब्सक्राइबर्स मिले हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहता था। तो आज की वीडियो कुछ टीच के बारे में होने वाली है, तो टीच की वीडियो मैं ये पहली बना रहा हूँ, तो आपको ये मैं आगाही करना चाहता था। वैसे तो ये मेरा व्लॉग का चैनल, तो मैं आपको ऐसे ही टिप्स देना चाहता था कि मेरी वीडियोज़ कैसे वायरल हुई, मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल की और व्यूज़ लाने का आसान तरीका कौन सा है, और दो तीन जो चीज़ें वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप उस पर अमल करें तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी ये ट्रिक इस्तेमाल की है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी ये देखें, मैं खेत में भी बैठा हूँ, सुबह सुबह का जी टाइम है, टिप्स वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको सारी जो डिटेल बताऊँगा, जो मेरे साथ जो YouTube वीडियोस मेरी जो वायरल हुई हैं वो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल की है, मेरी वीडियोस कुछ वायरल गई, तो आप मेरी पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस भी देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस कुछ अच्छी खासी चली हैं, तो इसकी वजह से मुझे ये सब्सक्राइबर्स मिले हैं। तो सब्सक्राइबर्स मुझे इससे भी ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तो मुझे कम मिले, वो किस वजह से मुझे कम सब्सक्राइबर्स मिले हैं वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। क्या टिप्स मैंने इस्तेमाल की और आप किन बातों पर अमल करें कि आपका भी चैनल ये ग्रो कर सकता है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये मेरी वीडियो फुल देखिएगा, तो आपको ये मेरी वीडियो सारी समझ में आ जाएंगी, तो शायद आपका भी अच्छा हो जाए, आप भी यूट्यूबर कामयाब हो सकते हैं। तो मैं तो अभी कामयाब तो नहीं हुआ हूँ, मेरी कोई 10 से 15 दिन के बाद ये वीडियो कोई एक मेरी चलती है तो अच्छे खासे मुझे व्यूज़ भी और सब्सक्राइबर्स भी दे जाती है। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ, मशवरा भी देने वाला हूँ, और मैं भी अभी इससे भी सीख रहा हूँ कि यूट्यूब से कि वीडियोज़ को पॉपुलर और ये क्या कहते हैं यार, अपलोड कैसे की जाती है, सही तरीका कौन सा है, और जो वायरल करने की क्या ट्रिक है, तो आपको सारी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं अभी खेत में बैठा हूँ, माइक शाइक सारे लगा दिए, तो मेरा आवाज़ आपको कैसा लग रहा है, सुनाई सही दे रहा होगा। तो जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहली बार ये टिप्स वाली वीडियो बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से मेरी को सुनिएगा जी। तो उनको भी पता है, किसानों को, तो ये भाई वीडियो बनाता है, तो इसको लोग ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं ये पागल है भाई, लगा हुआ है, देखेंगे लगा हुआ है। तो गांव में, गांव वालों को आपको पता ही होगा, गांव में कुछ ऐसी वैसी कुछ भी नहीं है, यूट्यूब के बारे में कुछ भी लोग नहीं समझते, कुछ ऐसे हैं मुझसे भी भाई होशियार बंदे हैं लेकिन वो यूट्यूब पर काम नहीं करते। तो जी, हम आते हैं हमारे जो ओरिजिनल जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, लेकिन अभी जो झक्कड़ है वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम जो अपना जो टॉपिक है वो जी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तकरीबन 2022 जनवरी 17 जनवरी थी तक मेरे ख्याल में, तो मैंने YouTube स्टार्ट किया था। तो मैं चल रहा था जी दो महीने से, तो तीन महीने तो मैं से ही चल रहा था, मेरी कोई भी वीडियोस चल नहीं रही थी। तो मैंने एक मेरी वीडियो थी जो हमने बनाई थी, मेरे ख्याल में मैं जो हमारा 8 HP का जो ट्यूबवेल था, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, तो वो मेरी वीडियो चल गई थी। तो उसमें मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल की, मैं आपको बताऊं, जो मेरी पहली वीडियो वो चली थी, तकरीबन इसमें व्यूज़ आए थे तकरीबन 3000 थे, या ऐसे कैसे व्यूज़ थे, 3000 व्यूज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। मेरे कोई व्यूज़ आते थे पहले से 30, 40, 50 तक वीडियो रुक जाती थी, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी कैसा वीडियो मेरी वायरल जाती है, कभी कभार कोई राकेट की तरह जाती है वरना नहीं जाती। तो इसमें मैं करता क्या हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी 8C वीडियोस वायरल गई, मैंने एक पंखे पर बनाई, वो मैंने कैसी वीडियो बनाई, मैंने 8 HP का जो हमारा पंखा था वो फुल प्रेशर पर चल रहा था, तो वो मैंने उसमें थंबनेल अच्छी सी बनाकर वीडियो अपलोड कर दी, तो उस पर भी मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। और मैंने एक बनाई थी मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी एक वीडियो अगर चलती है तो आप उस पर 2-3 वीडियो उसी के टॉपिक के रिलेटेड आपने बनाने हैं, क्योंकि उसी टॉपिक में आपका जो व्यूवर्स का वो जमे रहते हैं, क्योंकि वो आपकी वीडियो किस टाइम तक देख रहे हैं, क्या हैं, उसकी तरह आप उसी तरह ही वीडियो बनाएं, क्योंकि उसी तरह से आपका चैनल थोड़ा बहुत ग्रो करता जाएगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उसी तरह थोड़ी वीडियोस कम बनाई, तो उसी की तरह मेरा चैनल अभी डेड पड़ा हुआ है। थोड़ा ये मैं परेशान हो गया था 10-15 दिन से कि मेरा चैनल डेड हो गया था, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, ये यार क्या होगा, 30-40 व्यूज़ चढ़ते ही नहीं थे, तो अभी एक मेरी वीडियो चढ़ी है तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये मैं वीडियो ना बना पाता, तो इसकी वजह से। तो अब आते हैं जी, कौन सी वो ट्रिक है। तो जी, ट्रिक तो कोई भी नहीं है, तो यूट्यूबर ये कहते हैं ना, आप वो कर दो, टैग्स लगा दो, वो कर दो। मैं कहता हूँ यार, टैग्स वैग्स काम यहाँ पर नहीं करते। आप अपना जो थंबनेल है उस पर आप अपना फुल जो अपना जितना आप टाइम देख सकते हैं आप थंबनेल पर ध्यान दें। तो जो थंबनेल होती है आपकी, वो बहुत ही बड़ा जो रोल होता है थंबनेल का, आपकी थंबनेल जितनी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप कोई जाते हो क्या ये चीनी लेने और घी लेने जाते हो,
तो आप जूतों के कपड़ों के दुकान में चले जाएँ तो आप वहाँ से फ़ौरन ही उठ के चले जाएंगे ना, आप उसके दुकान में तो बैठेंगे नहीं ना, उसी टाइम निकल जाएंगे। तो ये यूट्यूब भी इसी तरह है, अगर आपकी वीडियो पर कोई क्लिक करेगा उसकी काम की वीडियो नहीं होगी तो फ़ौरन वो निकल जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना, थंबनेल भी अच्छी बनानी है और उसके वीडियो में मटेरियल जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो इसकी वजह से वो आपकी वीडियोज़ को देखेंगे और कम अज़ कम दो मिनट तक तो लोग आपकी वीडियो पर रुकना ही चाहिए। तो जो टिप्स है वो मैंने तो कुछ भी ऐसा कुछ करना में नहीं दिया है, यूट्यूब तो मेरा जो तजर्बा है, मेरी जो 8-9-10 वीडियोस कुछ चली हैं, 3000 व्यूज़ हैं, लेकिन उस पर भी मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है। तो बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स आपके सामने, ये मैंने 8 महीनों में कमाए भाई सब्सक्राइबर, कोई 450 भी अभी नहीं हुए, कोई 10 कम है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द मेरे करवा दें। और मैंने तो ये ट्रिक कोई भी इस्तेमाल नहीं की, मैं बस ऐसे ही चलता गया, वैसे ही बनता गया, वीडियोज़ ऐसे ही खुद ही कुछ चलती गई, व्यूज़ आते गए, और ट्रिक तो मैंने, मुझे नहीं लगता मैंने कोई ट्रिक इसमें लगाई हो, मुझे नहीं लगता भाई, मैं ऐसे ही लगा रहता था, मैं कोई टैग्स लगा देता, टैग्स तो यहाँ पर मुझे काम नहीं करते, टैग्स में ये होता है कि आपकी वीडियो सजेस्टेड में आती है और कुछ व्यूज़ आपके जो ट्रेंडिंग में होते हैं वो सर्च में आते हैं। मेरी एक वीडियो थी अभी मैंने फ्लोड पर बनाई थी, उसके जो सारे व्यूज़ थे वो सर्च में आए, क्योंकि अभी जो उसका ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड में लोगों ने बड़े बड़े चैनल थे वो प्रमोट करवाए और वो उसने चैनल ग्रो करवा लिए, तो ये भी एक ट्रेंड था फ्लोड वाला। मैंने भी एक फ्लोड पर वीडियो बना ली थी, तो उस पर भी कोई 1000 ख्याल में मेरे ख्याल में ऐसे आए, पता नहीं मैं भूल गया। तो अगर आप ट्रेंडिंग पर बनाओगे तो आपकी देरी नहीं लगेगी। तो ट्रिक तो कोई भी नहीं है और व्यूज़ का राज यही है, बस आप लगे रहें और आप डेली वीडियोस पे, डेली के बुनियाद पर आप वीडियो बनाएं, और आप कुछ भी नहीं करें, डेली के वीडियोस, डेली वीडियोस बनाएं, कुछ भी हो जाए, बीमार हो, बुखार हो, क्या हो, उल्टियाँ हो, जुलाब हो, थूसू हो, कुछ भी हो, आपको डेली वीडियोज़ बनानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 दिन काम करते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, भाई हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ, हम वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, वो नहीं हुआ, वो लोग सपोर्ट नहीं करा, बड़े यूट्यूबर सपोर्ट नहीं करते, बड़े यूट्यूबर रब्ता नहीं करते, किसी की भी रब्ता करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप खुद भाई मेहनत करें। तो मैं भी लगा रहा हूँ, मेरे जो बस मैं आपको क्या कहूँ आगे, तो मेरे इलाके वाले हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि बस यार 2-3 व्यूज़ आए हमने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं काम करना, तो लोग तो 4-4 से 5-5 6-6 साल लगे रहते हैं उसके बाद उसका चैनल जो है वो ग्रो कर पाते हैं। तो ये जी राज मैंने बता दिए व्यूज़ का, ये व्यूज़ का इतना, व्यूज़ अगर आएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, व्यूज़ ऐसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये क्या हो रहा है। बस यार कभी कभार YouTube भी ऐसा है, कभी डेड कर देता है, कभी क्या कर देता है, कभी इंप्रेशन उसके बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मेरा चैनल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत डेड हुआ था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है अच्छा जा रहा है। तो बस मैं आखिर में आपको यही कहूँगा भाई, डेली लगे रहें और व्यूज़ का मसला कोई मसला नहीं है, लगे रहेंगे तो हो जाएगा काम आपका, अगर छोड़ देंगे ना तो कोई यार कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपका कुछ किसी भी कैटेगरी का अगर यूट्यूब चैनल है तो आपको उसको अच्छे से काम करें, आपकी कैटेगरी के अगर और कोई लोग हैं तो उनको देखें कि वो क्या कर रहा है, कौन सी ट्रेंडिंग में वीडियोस बना रहा है, उसको उसके आपने कॉपी नहीं करना है, वैसे ही उसकी वीडियोज़ को देखें, अपना भी दिमाग काम करना है कि मेरी, मुझे भी यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऑडियंस भी इस पर रुके, तो कुछ ऐसा करना है, अट्रैक्ट करना है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो कौन सी चीज़ें वो मुझसे रह गई हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बता देना। और लोग मुझे नीचे से कुछ यही कहेंगे, यार आपका चैनल तो ग्रो नहीं हुआ, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? यार मैं वैसे ही बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो मेरी कैसे हुई, क्या हुआ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, ऐसा बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दिया है। और अगर मुझे अभी सीख रहा हूँ, पता नहीं मुझसे अगर गलती भी हो गई होगी तो मैं नहीं समझता। और हाँ, हैशटैग भी आप 2-3 लगा सकते हैं इसमें वीडियो के नीचे, आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ काम अच्छा होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। यूट्यूब यार क्या है, कुछ नहीं है, बंदा काम करने पर आए तो भाई जो ऊँटों को भी जुराब पहना सकता है, हमारी ज़बान में कहा जाता है। तो जी तो आज की वीडियो बस यही थी, वीडियो के इंप्रेशन है वो भी मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं कि कितने मेरी पर, एक वीडियो पर 71,000 मेरे इंप्रेशन गए थे, उस पर मैं मुझे 3500 कोई व्यूज़ मिले थे। तो आपको भी मैं आखिरी में यही मशवरा दूंगा भाई, लगे रहें, अल्लाह खैर करेगा, काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस यही थी, तो टीच की वीडियो थी, ख़त्म हो गई हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो जी अभी हम उठते हैं यहाँ पर, तो जो मेरा जो ट्राईपोड था वो भी मिल गया है, वो भी आने वाला है दराज से। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, पता निकल गया, हमारी गुफ्तगू भी बहुत ज़्यादा हुई, तो मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।